बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैं आपका दोस्त पंकज सिन्हा। दोस्तों, यह जो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यह हर स्टूडेंट को जो कि 10वीं की 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके अलावा अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हैं, फार्मेसी में पढ़ाई कर रहे हैं या नर्सिंग में हैं आप, तो आपको ये फायदेमंद होगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम जानना चाहेंगे और इसको हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है सारे ह्यूमन बीइंग में, और किसी भी तरह का लिविंग एनिमल हो उसमें हार्ट की बीट से ही ब्लड की सप्लाई होती है। हार्ट एक पंपिंग स्टेशन के जैसा काम करता है जो कि आपके पूरे शरीर में ब्लड की फ्लो को मेंटेन करता है। ब्लड की फ्लो मतलब कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है और वापस हार्ट में लेके आता है, फिर से हार्ट उसे पंप करके पूरे ऑर्गन को देता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर हम समझना चाहें तो इसे हम ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स जिसे आप एक पाइपलाइन कह सकते हैं साधारण भाषा में, सो ब्लड वेसल्स पाइपलाइन है एंड हार्ट एक पंप है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे शरीर में एक पाइपलाइन का जाल के जैसा बिछा हुआ है और ये जो हार्ट है वो पंप के लिए जैसा काम करता है। सो व्हाट आर द मेन फंक्शन? सो मेन फंक्शन एज आई हैव सेड टू यू टू पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज टू सप्लाई प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट जो है पूरे शरीर में केवल खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला ऑर्गेन है। बिल्कुल आपका आंसर सही ही है, लेकिन आप उसमें जरूर जोड़ दें कि इट सप्लाई प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो इट कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन विथ ऑक्सीजन। इस लाइन को जरूर ध्यान दें। यहां पर आपने देखा होगा कि हार्ट के पीछे लंग्स भी है, दोनों साथ साथ रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होता है। कैसे मिक्स होता होगा? इस तरीके से मिक्स होता है कि हमारा लंग्स और हार्ट कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ अटैच होगा, जिसके वजह से हमारा जो सांस लेने की क्रिया है वह ब्लड में मिक्स होता है और जो हमारी बॉडी ने यूज किया है कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है वह बाहर आएगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों। सो जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानना चाहेंगे। ब्लड वेसल्स कितने तरह के वेसल्स हैं हमारे शरीर में? तो दोस्तों करीब करीब पांच तरह के वेसल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज का जो छोटा रूप है वो आर्टेरियोल्स है, वेन्स के छोटे रूप हैं वेन्यूल्स हैं, और आर्टरीज एंड वेन्स को जो ज्वाइन करता है एक दूसरे के जगह पे उसे कैपिलरीज कहते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, ये है आर्टरीज, ये है वेन्स, और एक दूसरे के साथ ये जब जुड़ जाते हैं और आर्टरी छोटे पार्ट में अगर डिवाइड हुआ है तो आर्टेरियोल कहेंगे, वेन्स छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ है तो वेन्यूल कहेंगे, और यहां पे सारे ज्वाइन हो गए एक दूसरे के साथ, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस यहीं पे होता है, इसे कैपिलरी कहेंगे। सो ये पिक्चर से काफी क्लियर है और आपने इसे ध्यान से देखें। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज बिल्ड अप बाई द हार्ट एंड द टू वेस्कुलर सिस्टम। सो यू मस्ट रिमेंबर
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज बिल्ड अप बाय द हार्ट एंड टू वेस्कुलर सिस्टम द आर्टेरियल सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू द लंग्स एंड द पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. द वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट द ब्लड बैक टू द हार्ट एंड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. दोस्तों आगे हम और इसमें क्लियर करेंगे. ये जो सिस्टम है जिससे आपको साफ जाहिर हो रहा है ब्लू कलर दिखला रहा है रिटर्निंग ब्लड जो बॉडी यूज करने के बाद. बॉडी यूज करने का मतलब ये नहीं आप इस एक बॉडी के हिसाब से समझे, आपको ये समझना है कि हमारे बॉडी में बॉडी बना हुआ है सेल्स से. सो हर सेल्स से जो रिटर्न हो रहा है ब्लड वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको कि डार्क ब्लू कलर में दिखलाया गया है और ये हार्ट को रिटर्न आएगा. देन हार्ट लंग्स को देगा प्यूरिफिकेशन के लिए. प्यूरिफिकेशन मीन्स इसमें ऑक्सीजन मिलेगा और पूरे शरीर को जाएगा जो कि आर्टरीज में जाएगी और ये जो रिटर्न है वेन्स में जाएगा. इसलिए इसे आर्टेरियल सिस्टम और इसे वेस्कुलर सिस्टम. नाउ देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एंड समटाइम अ स्टूडेंट मे हैविंग सम कंफ्यूजन. सो प्लीज रिफर सम ऑफ द लाइन. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ध्यान रहे आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स हार्ट से दूर कहां ले जाता है, पूरे शरीर के सेल्स को देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करने के लिए. यूजुअली इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देयर इज द एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरीज. हम आगे पढ़ेंगे जबकि मैं बताऊंगा आपको वापस ध्यान दिलाएंगे. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आर्टरीज नॉट हैविंग एनी वॉल्व्स. जरूरत नहीं है वॉल्व्स की. जरूरत कब होगी, उसे बैक फ्लो रोकना हो. हार्ट के पास इतना प्रेशर के साथ ब्लड आता है कि सीधा का सीधा बॉडी को जाएगा. सो आर्टरीज में वॉल्स नहीं है. वॉल्स आर थिकर. आपने यहां पिक्चर देखी, ये वॉल कितने थिक है. सो आर्टरीज के वॉल थिक होंगे. आर्टरीज फर्दर डिवाइड टू द आर्टेरियोल्स जो कि हमने पीछे पढ़ा था एंड आर्टरियोल आर अ स्मॉल आर्टरीज कनेक्टिंग विद कैपिलरीज. देयर इज फेयर इनफ. हम आगे बढ़ते हैं. वेन्स. Veins carry the blood from the various part of the body to the heart. That is very clear. पूरे शरीर से ब्लड को कैरी करके हार्ट के तरफ ले जाता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और ये है veins. Usually carry deoxygenated blood except pulmonary vein which bring oxygenated blood from the lungs to the heart. इसके बारे में आपको वापिस में याद दिलाऊंगा जब flow of the blood फ्रॉम द हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे. बट ये दो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. इसे हम वापिस एक बार देखेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉल. दिस वेन कंटेन वॉल्व्स एंड वॉल्स आर थिनर. आप देख रहे हैं आर्टरीज के कंपेयर में ये काफी थिन है. वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स. आपको एक ध्यान देना है कि ये वॉल्व्स क्यों जरूरी है. जब हमारा ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगा, जो लोअर पार्ट में होगा जैसे पैर में है और उसको हार्ट तक ऊपर की तरफ आना है, तो उसमें वाल्व नहीं होगा तो ब्लड वापस नीचे की तरफ चला जाएगा. इसलिए वाल्व्स लगे हुए हैं. एंड दिस वेन्स इज हैविंग वाल्व्स वेयर एज आर्टरीज हैविंग नो वाल्व्स. कैपिलरीज के बारे में जैसा हमने पहले भी जाना, वेरी माइन्यूट सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल इन विच आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स बिगिन. Wall formed by a single layer of endothelial cell provide large filtering surface. Exchange of the gases like oxygen and carbon dioxide happen. Nutrients, electrolytes from blood to tissue and the waste products from tissue to blood take place at this level. So, dosto, aapko ye dhyan dena hai. Arteries, arterioles, then capillaries, then venules and veins. इस तरीके से यानी हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कैसे होगा. आर्टरी से आया, देन आर्टेरियोल्स में गया, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में मिला, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में मिला, वेन्यूल्स से वेन्स में मिले. ये देखिए वेन्यूल्स एंड वेन में मिले और वापस रिटर्न टू द हार्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन. नाउ हार्ट के बारे में जानते हैं. वेन्स के बारे में
वेसल्स के बारे में हमने जान लिए, वेन एंड वेसल्स में फर्क है. वेसल्स इज द कॉमन नेम फॉर आर्टरीज एंड वेन. नाउ हार्ट, हार्ट सम फैक्ट्स अबाउट द हार्ट. इट बीट 72 पर मिनट. हार्ट की वेट कितना होती है? 250 ग्राम टू 300 ग्राम इन फीमेल्स एंड इन मेल 300 ग्राम टू 350 ग्राम्स. साइज लिटिल लार्जर देन द साइज ऑफ योर फिस्ट. अब अगर आप हाथ की मुट्ठी को अगर आप पकड़ते हैं, अपना खुद का हाथ की मुट्ठी को जोर से पकड़े, तो यही आपके हार्ट की साइज है. लोकेशन बिटवीन लंग्स, इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट, बिहाइंड द स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन. सो वेरी सिंपल, यह दोनों लंग्स के बीच में है एंड लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन. स्टर्नम जो है उसके लेफ्ट के साइड में है. आप देखो यहां पर दिखाई दे रहा थोड़ा सा, ये बीच में स्टर्नम होता है जिसको आप बोल सकते हैं ये छाती की जो हड्डी होती है. नाउ देयर इज द फोर चैम्बर. यह याद रखने की बात है, आपके ह्यूमन और मैमल्स में हार्ट चार चैम्बर में डिवाइडेड रहता है. ये चार चैम्बर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. देन अपर पार्ट को एट्रियम कहते हैं. दैट्स वाई, और ये चीज याद रखें, एट्रियम अपर पार्ट और नीचे को वेंट्रिकल्स कहेंगे. अब ये पार्ट है वह राइट एट्रियम कहलाया और ये पार्ट है लेफ्ट एट्रियम कहलाया. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ये आपको याद रखना एरोटा. दिस इज द मेन आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आपको ऐसा दिखने में लग रहा है, एक्चुअली ये पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है. पीछे से निकलेगा और इस तरह से पूरे ब्लड शरीर में जाएगा हर एक ऑर्गन को. हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. सो एक बार फिर से, ऊपर के पार्ट को एट्रियम कहेंगे, नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल्स कहेंगे. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. नाउ दोस्तों, इस स्लाइड को समझने के पहले और इस पेज को समझने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं अभी, तब आपको वापिस मैं इस पेज पे लेके आऊंगा. और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, so this oxygen poor blood shown in this blue flow from the body into the right atrium. ये शरीर में यूटिलाइज हो जाने के बाद, इसके ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद, ये राइट एट्रियम को दे दिया जाता है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को आएगा. राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन, वेयर द ब्लड रिलीजेज वेस्ट गैसेस एंड द पिकअप ऑक्सीजन एंड द न्यूली ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न टू द हार्ट and enter into the left atrium. This is very simple. एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है, oxygen poor blood which has been already utilized by the body return to the right atrium, then right atrium to right ventricle, and from the right ventricle it goes to the lungs for the purification, and from the lungs it return to the left auricle, and from left auricle it goes to the left ventricle, and from left ventricle it goes to the entire body for the circulation. Because as I have said, the left ventricle is the one of the most important organ in the all the four chamber, and left ventricle only supply the pure blood to the entire body through aorta. Aorta ki baat humne abhi abhi ki thi. Yahan par dekho aorta tha. Ye hamare body mein मेन आर्टरीज के रूप में है. नाउ देयर आर द पेसमेकर, देयर इज द कंडक्शन. ये हार्ट क्यों बीट होते रहता है, कैसे बीट होता है, इसके लिए देयर इज द पेसमेकर. दैट पेसमेकर इज कॉल्ड साइनो आर्टेरियल नोड, एसए नोड. एंड आपको ये दिख करके समझ में आ रहा होगा, अगर हार्ट की ऐसे साइज होती थी तो ये राइट ऑरिकल का पार्ट है, वहां पर एसए नोड है. तो स्मॉल मास ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम
विच इनिशिएट इंपल्स, देन एवी नोड जिसको कहते हैं अल्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड कहां पर है आपको दिख जाएगा यहां पे, सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम नियर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल, नॉर्मली स्टिमुलेटेड बाय द इंपल्स दैट स्वीप ओवर द आर्टेरियल मायोकार्डियम। सो पेसमेकर, सी पेसमेकर, दिस पेसमेकर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल मास ऑफ द स्पेशलाइज फाइबर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड इन टू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। पुर्किंजे फाइबर, दीज ऑल आर द फाइबर्स कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर। बंडल डिवाइड फर्दर इंटू अ स्मॉल फाइबर विच कंडक्ट इम्पल्स टू द वेंट्रिकुलर मासेस। सो कार्डियो टर्मिनोलॉजीज, वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देर इज द कार्डियक आउटपुट समटाइम, सो अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर यूनिट एंड कार्डियक आउटपुट, देर इज द फॉर्मूला हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। So cardiac output equal to heart rate and stroke volume, you have to remember this. Then heart rate, what is the heart rate? This is the fixed 72 per minute. A stroke volume is what? This is volume of the blood pumped from one ventricle with each beat, that is 70 ml per beat. So ye dono fact yaad rakhne hai, 72 per minute and 70 ml per beat. So peripheral resistance is what? There is resistance to flow of the blood and because of the peripheral resistance there is the blood pressure. हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी सी, आपने अभी अभी हमने जाना कि what is the blood pressure, अभी हमने जाना cardiac output के बारे में और cardiac output क्या होता है, heart rate into stroke volume. So blood pressure के बारे में अगर formula दे तो what is blood pressure, blood pressure is nothing that is the cardiac output into peripheral resistance. And नाउ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे जाने कि यह कार्डियक आउटपुट के बारे में अभी अभी हमने जाना है हार्ट रेट इनटू अ स्ट्रोक वॉल्यूम, जबकि अभी अभी हमने जाना था कार्डियक आउटपुट मींस हार्ट रेट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम, देन द सेम फॉर्मूला नाउ द फाइनली ब्लड प्रेशर मींस व्हाट, हार्ट रेट इनटू अ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पीवीआर। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, किसी भी इंसान में ब्लड प्रेशर अगर डिपेंड करना है तो क्या क्या चीजों पे डिपेंड करेगा, हार्ट रेट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा यानी उसकी ब्लड वॉल्यूम कितनी है, एंड पीवीआर दैट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है जिसके वजह से वह ब्लड प्रेशर में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो अगर जो भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होगी वो इन्हीं जगहों पे काम करेगी, या तो वो हार्ट रेट को घटाएगी तो ब्लड प्रेशर घटेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को घटाएगी जिससे ब्लड प्रेशर घटेगा, या रेजिस्टेंस को कम करेगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है सारा। सो दोस्तों आज इतना ही, और हमने कोशिश की है कि आपको कुछ बताएं, और इसमें से काफी चीजें मैंने कवर अप कर लिया है, केवल एक पार्ट रह गया है जो कि मैं अभी अभी आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी बता रहा था कि किस तरह से मैं याद रख सकूं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, तो दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका लाया हूं जो कि आपको समझने में बहुत ही आसान होगी। समझो कि ये आपका, मैं यहां से कलर चुन लेता हूं, चलो ब्लैक कलर से मैं बॉर्डर बनाता हूं। आप समझो कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, हार्ट को चार चैम्बर में मैंने बना दिया, ठीक है, चार चैम्बर बन गए। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी हमने देखा। इसको क्या कहेंगे, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होता है, इसको राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट क्या है, ऑरिकल, अभी हमने जाना, और ये क्या है, राइट ऑरिकल। दोस्तों जब भी आप कोई एग्जाम में कहीं भी प्रश्न आ जाए तो आपको एक छोटा सा रफ में डायग्राम बना लेना है और वहां से आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रेड जो ब्लड है, जो कलर में आपको बुक में या पिक्चर में दिखता है, दैट इज प्योर ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं शुरू करता हूं,
ये जो प्योर ब्लड है ये यहां से निकला किसको जाएगा, हमारे बॉडी को, बॉडी मतलब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेन को, सेल्स को ये जाएगा ब्लड। ठीक है, अब यहां ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सारा चीज मिल गया, यह बॉडी इसे यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करके ये रिटर्न दे देगा राइट ऑरिकल को। आपको ध्यान देना है यहां पे, राइट ऑरिकल को दे दिया, राइट ऑरिकल इसे सीधे ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल को। यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, राइट वेंट्रिकल को। क्या हो गया, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी को गया, बॉडी ने इसे यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, इसको मैं वापिस ब्लू से थोड़ा कर देता हूं, आपको ध्यान में आएगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे ये राइट ऑरिकल को मिले, राइट ऑरिकल नीचे राइट वेंट्रिकल को दे देगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहां जाएगा, लंग्स को जाएगा। क्यों जाएगा लंग्स को, तो लंग्स इसे नया ऑक्सीजन लेगा और पुराना जो बॉडी से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस देगा लंग्स को, और लंग्स सांस से बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही ये लंग्स के पास आया, यहां से आपको फिर से ये ब्लड प्योर हो गया, ये देखो प्योर हो गया है ब्लड, और ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल को, आपने देखा, और ये जो आ गया यहां से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल को आएगा और ऐसे सर्किल चालू हो गया। तो यह आपको याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के माध्यम से, ये कौन से आर्टरी है जो हार्ट से निकलता है सबसे मोटा, सो एरोटा कहेंगे, वो पूरे बॉडी में चला जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन होकर के, और देन आफ्टर ये जो यूटिलाइज्ड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है वो रिटर्न आएगी राइट ऑरिकल को, देन राइट वेंट्रिकल को, लंग्स को आएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, देन उसके बाद इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल। दोस्तों आई थिंक ये काफी क्लियर हो चुका होगा अभी तक के आपको, और हम आगे बढ़ते हैं फिर से। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हमने अभी अभी ब्लड प्रेशर के बारे में जाना, व्हाट ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इज द नथिंग दैट इज द कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज नथिंग दैट इज द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक। सो नाउ इन टोटलिटी व्हाट इज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पीवीआर। सो ये बहुत ही, ये हमेशा के लिए याद रखें कि आपकी जो शरीर की ब्लड प्रेशर है वो आपके हार्ट रेट पे डिपेंड करेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, एंड पीवीआर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और ये दोनों को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नाउ नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक शुड बी 120 एंड डायस्टोलिक शुड बी 80 mm ऑफ HG, ये आपको ये याद रखना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से आपके सामने आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।